हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। भारतीय रवैया किसी वक्त भी जंग का बाइस बन सकता है। भारत आग और जनूबी एशिया में अम से खेल रहा है। खून और पानी साथ नहीं बह सकता, मगर भारत ऐसा कर रहा है। मसला कश्मीर बदस्तूर जौहरी जंग के खतरात का पेश खेमा है। भारत सेक्युलर से इंतहा पसंद हिंदू रियासत बन चुका। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों के ठिकाने मसाइल की जड़ हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम की भारी कीमत चुका रहा है। भारत TTP और बलोच अलहदगी पसंदों के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है, जनरल जुबैर महमूद हयात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक इंतखाबी इस्लाहात बिल मुअत्तल कर दिया। अदालत में बिल में खत्म नबूवत से मुतालिक शिकों में तरमीम का मामला जेर गौर है। नवाज शरीफ ने 3 रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला जल्दबाजी में दिया गया, दरखास्त में मौक़िफ़। हसन और हुसैन नवाज जानबूझकर मफरूर हैं। तलबी के इश्तिहार घर और अदालत पर चस्पा किए, दफ्तर खारजा के जरिए लंदन भी भिजवाए गए। तफ्तीशी अफसर की एहतसाब अदालत में तामीली रिपोर्ट। हुसैन नवाज के 4 बैंक अकाउंट की रिपोर्ट्स की तफसील भी पेश। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान का बयान कलमबंद। मुलजिम इसहाक डार अदालत में कब पेश होगा? असासाजात रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर का वजीर खजाना के जामिन से सवाल। सेहतियाबी में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, जामिन का जवाब। वक्त से पहले इलेक्शन हुए तो फायदा नून लीग को होगा। सिराजुल हक की गुड मॉर्निंग आज से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर ही हो ताकि किसी को ये बहाना ना मिले कि हम तो आसमान से तारे तोड़कर लाने वाले थे मगर हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। मैं तो बोलूंगी, शैला रजा चाहती हैं मैं सिर्फ अच्छा अच्छा बोलूं। ऑपोजिशन का काम हुकूमत को आईना दिखाना है। नुसरत सहर अब्बासी ने गुड मॉर्निंग आज से गुफ्तगू में भड़ास निकाल दी। मैं क्रिटिसाइज तो करूंगी क्योंकि मैं ऑपोजिशन मेंबर हूं, मेरा राइट है कि मैं क्रिटिसाइज करूं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप सही जवाब नहीं दे रहे, आप आवाम का जो इस्तेहकाक के वो मजरूह हो रहा है यहाँ पर। तो मैं तो बोलूंगी, इस चीज पे उनको बुरा लगता है, वो नहीं चाहती कि इस तरह, वो चाहती सब अच्छा अच्छा बोले। कारकुनों का फारूक सत्तार की कयादत पर एतमाद का इजहार, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। इमरान खान और जहांगीर तरीन नाअहली केस हतमी मराहिल में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुकदमे की समाअत होगी। इमरान खान के वकील हतमी जवाबुल जवाब दलाइल पेश करेंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का दौरा है कोयटा। गवर्नर वजीर आला और सूबाई काबीना के अरकान से मुलाकातों में अमनो अमान की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सिक्योरिटी खदशात के बाइस सिंध हाई कोर्ट का 10 हाई प्रोफाइल केसेस सखर मुंतकल करने का हुक्म। मुकदमात में एयरपोर्ट हमला और साजिद कुरैशी कत्ल केस भी शामिल।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से स्मोक की शिद्दत कम हो गई। जहां बारिश नहीं हुई वहां आलूदा धुंध का कब्जा बरकरार। ट्रैफिक मुतासर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं, बारिश बरसाने वाला सिस्टम निकल चुका है। पर जलजले से जहां बहक अफराद की तादाद 450 हो गई, 445 हलाकतें ईरान में हुई। जलजले से 7,000 अफराद जख्मी, इमदादी सरगर्मियां जारी।